इतनी भीषण गर्मी में पानी को लेकर दिल्ली में काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में लोग जो है नल के पानी को टाइम कल के पानी को छोड़कर टैंकर्स के पानी को पीने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि जैसा टाइम कल के पानी का हालत है वो पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा ही हालत जो है दोस्तों पूरे दिल्ली में है। ये क्लिप जो है हम गीता कॉलोनी की दिखा रहे हैं। अगली क्लिप जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये वसंत विहार की है, और यहाँ का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही। यहाँ पर भी जो है दोस्तों पानी की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ने जो है दोस्तों टैंकर्स की सुविधा सभी के लिए मुफ्त कर दी है, और साथ ही साथ टैंकर्स माफिया पर काफी बड़ा एक्शन लेने का बात कही है। और इतनी जबरदस्त गर्मी में यदि लोगों को पानी भी ना मिले तो कितना ज्यादा दुखदायी होगा, और कैसे वो लोग रहते होंगे ये आप सभी दर्शक पूरी तरह से समझ सकते हैं। और ये तो रहे कुछ छोटे छोटे इलाकों के हाल, लेकिन जो है दोस्तों पूरे दिल्ली का ही हालत कुछ इसी तरह से है। अमीरों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में अमीरों को तो अच्छे पानी मिल रहे हैं, लेकिन गरीब जो है पूरी तरह से पिस जा रहा है और उन्हें टाइम कल का पानी भी पीने को नसीब नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार इलेक्शन को लेकर टाइम कल तो लगवा दी, लेकिन उस पानी में पानी की सप्लाई को करना भूल गए और कहीं से भी नाले के पानी को उठा कर दे रहे हैं। अब ऐसे में जो है दोस्तों विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी जो है दोस्तों अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह से सवाल उठा रही है। आपका क्या कहना है इन सभी चीजों पर, प्लीज हमें अपनी राय कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। और ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसे और न्यूज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।